हिंदू पंचांग के अनुसार 24 मार्च को गंगौर का पर्व मनाया जाएगा। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और लड़कियां श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए गंगौर पूजा करेगी। गण के रूप में भगवान शिव और गौर के रूप में माता पार्वती की पूजा की जाएगी। शाम को सूर्यास्त से पहले गणगौर को पानी पिलाने के बाद जलाशयों, तालाब, कुओं में विसर्जित की जाएगी। ईसर गोन यानी शिव पार्वती की पूजा का यह पावन पर्व आपसी स्नेह और साथ की कामना से जुड़ा हुआ है। इसे शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी कहा जाता है। गणगौर का अर्थ है गण और गौर। गण का तात्पर्य है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला गणगौर का त्यौहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार माँ पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी के तप के प्रताप से भगवान शिव को पाया। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान दिया था। माना जाता है कि तभी से इस व्रत को करने की प्रथा प्रारंभ हुई है। वसंत और फाल्गुन की ऋतु में श्रृंगारित धरती और माटी की गणगौर का पूजन प्रकृति और स्त्री के उस मेल को बताता है जो जीवन और सृजन और उत्सव की उमंगों से जोड़ती है। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं व विवाहित स्त्रियां ताज़ा जल लोटे में भरकर उसमें हरी हरी डूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती है। इसके बाद शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईसर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर चौकी पर स्थापित करते हैं। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, धूप व पुष्प से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सौभाग्य की कामना के लिए दीवार पर 16-16 बिंदिया, रोली, मेहंदी व काजल की लगाई जाती है। एक बड़ी थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में धूप लेकर इसे जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती है। अंत में मीठे गुने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। गणगौर माता से प्रार्थना भी लोकगीतों के जरिए की जाती है। इन गीतों में स्त्री मन की हर उमंग, हर भाव को जगह मिली है। भावों की मिठास और अपनों की मनुहार लोकगीत पूजा के समय निभाए जाने वाली हर रीत को समेटे होते हैं। पूजन करने वाली समस्त स्त्रियां बड़े चाव से गणगौर के मंगल गीत गाती हैं। भवर महाने पूजन दे गणगौर, गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती, खोले गणगौर माता खोल किवाड़ी, ईसर जी तो पेचो बांधे गोरा बाई पेच सावरियो राज, जो बेहद सुहावने लगते हैं। ईसर गौर के पूजन के इन दिनों में स्त्रियां उत्सवीय रंग में रंग जाती हैं। गणगौर महिलाओं का त्यौहार माना जाता है, इसलिए गणगौर का चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता है। गणगौर के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड में आदि में इनका विसर्जन किया जाता है।